मेरे प्यारे कला प्रेमियों और स्कूल कॉलेज के जितने भी विद्यार्थियों, आप सभी को आर्टिस्ट अंकल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आर्टिस्ट अंकल की तरफ से आप लोगों को नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। आज आर्टिस्ट अंकल आप लोगों के लिए लेकर आए हैं शहीद लक्ष्मण नायक की ड्राइंग। आप लोगों को पता होगा, शहीद लक्ष्मण नायक ओडिशा के कोरापुट जिले तेंतुली गुमा गांव का फ्रीडम फाइटर। उन्होंने जब फांसी में चढ़ा था, उस वक्त उन्होंने कहा था, आकाश रे सूर्य चंद्र यदि सत्य तेबे मो माँ निश्चय स्वाधीन हब। ये बात कोई कहानी या नाटक के डायलॉग नहीं है, ये सत्य घटनाओं पर आधारित एक शहीद फ्रीडम फाइटर का मन की बात है। तो मेरे प्यारे कला प्रेमियों, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों, आप लोगों को पता होगा लक्ष्मण नायक सन 1899 को जन्म हुआ था। उनके पिता के नाम पदलाम नायक था। पदलाम नायक कोरापुट के शहर जयपुर राजा के पास मुंशी के काम करते थे। उनका 100 एकड़ से भी ज्यादा जमीन था। लक्ष्मण नायक 19 साल में शादी करके एक बेटे का बाप भी बने थे। पदलाम नायक बूढ़े हो जाने के बाद जयपुर राजा के पास लक्ष्मण नायक मुंशी का काम संभाला। सन 1930 में अंग्रेजों के विरोध संग्राम जोरदार उठा था। उस टाइम महात्मा गांधी के लवण सत्याग्रह के प्रभाव जोरदार पड़ा था। कोरापुट में जितने भी वनवासी रहते थे अंग्रेजों के शासन से शोषित हो रहे थे। कोरापुट के स्वाधीनता संग्रामी राधाकृष्ण विश्वास राय उस टाइम नेतृत्व ले रहे थे, तो उसमें लक्ष्मण नायक शामिल हो गए और मुंशी के तौर पर जितने भी सभा समिति हो रहा था उसमें वो भाग ले रहे थे। उस टाइम लक्ष्मण नायक कांग्रेस में शामिल होकर मुक्ति संग्राम में जोग दिया। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भारत को स्वाधीनता देने के लिए अंग्रेजों ने नहीं चाहा, इसलिए स्वाधीनता संग्रामियों ने सरकार के साथ असहयोग किया और सत्याग्रह शुरू किया। सारे कांग्रेस कर्मी उसमें शामिल हो गए। सन 1940 दिसंबर में रामगिरी पुलिस स्टेशन के सामने सत्याग्रह करके लक्ष्मण नायक गिरफ्त हुए और जेल में 9 साल सश्रम कारादंड काट के लौटने के बाद अपने मुंशी का पद हराया और उनके पास जो 100 एकड़ जमीन था उसको भी जयपुर राजा ने छीन लिया। उसके बाद सन 1942 अगस्त 15 तारीख को जयपुर तालुक ऑफिस और थाना घेराव करके जितने भी दारू का दुकान था सब तोड़ दिया और बंद कर दिया गया। उसमें पुलिस और दारू भट्टी के मालिकों ने गुस्सा होकर लक्ष्मण नायक को मारने की कोशिश करने लगे। उसके बाद अगस्त 21 तारीख को मातिली थाना घेराव करते समय पुलिस लाठी चार्ज किया और गोली बरसाई। उसमें एक फॉरेस्ट गार्ड जी रमैया की मृत्यु हुई। पुलिस देखा अपना एक आदमी मर गया तो पुलिस डर गया और जी रमैया का मृत्यु के साथ साथ पुलिस स्टेशन घेराव के अपराध में लक्ष्मण नायक को झूठा केस में फंसा के दोषी ठहराया और सन 1942 नवंबर में लक्ष्मण नायक को फांसी दंड में दंडित किया गया। और सन 1943 मार्च 29 तारीख को सुबह 5 बजे लक्ष्मण नायक को फांसी दे दिया गया था। उस टाइम फांसी के आखिरी वक्त पर लक्ष्मण नायक बोले थे, आकाश रे सूर्य चंद्र यदि सत्य तेबे मो माँ निश्चय स्वाधीन हेबो। इसका मतलब
आकाश में अगर सूर्य चंद्र सत्य है तो मेरा भारत, मेरी माटी माँ जरूर स्वाधीनता होगा, जरूर स्वाधीन होगा। तो मेरे प्यारे कला प्रेमियों, आप लोग देखिए ये जो शहीद लक्ष्मण नायक कितने बड़े फ्रीडम फाइटर थे और स्वाधीनता संग्रामी थे, जो हंस हंस के फांसी की रस्सी पर झूल गए। तो मेरे प्यारे कला प्रेमियों, आइए देखते हैं आर्टिस्ट अंकल कैसे लक्ष्मण नायक जी के ड्राइंग बना रहे हैं, हम ध्यानपूर्वक देखते हैं।